प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाला सेगांव से डोंगरगांव तक का मार्ग ठेकेदार की लापरवाही, तानाशाही और विभागीय उदासीनता के कारण आए दिन चर्चाओं का केंद्र बनकर राहगीरों के साथ ही रहवासियों के लिए बेहद परेशानीदायक बनता जा रहा है। गुरुवार को देर रात्रि अंधेरे में ठेकेदार ने मुख्य मार्ग पर गिट्टी और मुरूम का ढेर लगा दिया। वहीं बीच रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा कर रास्ता जाम कर अपना काम कर्मचारियों से करवा रहा था। इसी बीच ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो गया तो कर्मचारी भी वहां से चले गए और ट्रैक्टर भी रास्ते में छोड़ गए, जिसके कारण करीबन 3 से 4 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे जाम लग गया। इसी मार्ग पर कई यात्री वाहन गुजरते हैं, जिसमें इंदौर बस भी आती जाती है। रात्रि करीब 9 बजे के आसपास 2 से 3 घंटे तक बस के यात्री मार्ग के जाम का खुलने के इंतजार में परेशान होते रहे, लेकिन जवाबदार के कानों तक जू तक नहीं रेंगती है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या भैया, ये जैसे आप कहाँ से आ रहे हो अभी? हम इंदौर से आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया हमको यहाँ रोड पे। ये रोड पे ढेर कर दिए इनने, पटरी बनने के बदले रोड के ऊपर मिट्टी के ढेर कर दिए। और ट्रैक्टर वाला डीजल खत्म हो गया, ये के ना भग गया ट्रैक्टर छोड़ के भी यहाँ से। और पैसेंजर परेशान हो रहे, आधे घंटे से ऊपर हो गए बस को यहाँ खड़ी हुई, और सभी वाहन बंद हो गए हैं। इधर पूरे रास्ते पे निकलने का रास्ता नहीं है। कितने वाहन खड़े हैं भैया? कम से कम 8-10 वाहन खड़े हैं यहाँ पे। उस साइड भी खड़े हैं, रोड के इस साइड भी खड़े हैं, और बीच में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। और ट्रैक्टर वाला जो मिट्टी फैला रहा था, वो भी के डीजल खत्म हो गया, भग गया है। एक घंटा हो गया हमको यहाँ परेशान होते होते। कोई नहीं है यहाँ, ना ठेकेदार है, ना ट्रैक्टर वाला है, ना कोई नहीं है, यहाँ सब भग गए। क्या नाम लिखते हो? राजेश जायसवाल। ये जो रोड पे मुरूम ढेर कर दी, और तो कब से परेशान हो रहे आप? तो कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पर। तो मुरूम ये पड़ी हुई थी, देखी अब हटा रहे उसको। और क्या, तो कब से परेशान हो रहे आप? अब 2 घंटे हो गए। कहाँ से आ रहे आप? इंदौर। कहाँ जा रहे थे आप? यही रुक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।